4x4 हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो पिछला वाला व्लॉग जो था उस पर आप लोगों ने देखा और बहुत ही अप्रिशिएट करा हमें। सोशल मीडिया जो था उसके ऊपर बहुत सारे रिप्लाई है कि बाबा अब आगे कौन सी मशीन दिखाने वाले उसके बारे में बताओ। जैसे कि आपको मालूम है अभी मैं गुरुग्राम आ रखा हूं, जो कि हमारा गुड़गांव है, और हम बहुत सारा उसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं नई नई चीज़ें। सो वीडियो को शुरू करते हैं और आज वापस मिलते हैं हिमांशु भैया से। सो हिमांशु भैया और भी हमें कुछ स्पेशल दिखाने वाले जिसके बारे में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। सेम टाइम नीचे सोशल मीडिया पर आप फॉलो भी कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि अगला व्लॉग के अंदर क्या क्या नया होना चाहिए। तो आइए सीधे के सीधे मिलाते हैं आपको हिमांशु भैया से। सो वेलकम हिमांशु भैया। हाय। सो हिमांशु भैया मुझे एक बात बताओ, लैंड क्रूजर तो आपने दिखा दी और प्रॉमिस भी करा है हमारे व्यूअर्स से कि आप बहुत सारी नई चीज़ें हमें दिखाने वाले हो, पर आपने कहा था आप किसी स्पेशल इंसान से भी मिलाने वाले हो। स्पेशल इंसान ऑब्वियसली मैंने बोला था। यस आई रिमेम्बर। हाँ मिलवाते हैं, अभी पहले गाड़ी दिखा दे जो है। यस सो सबसे पहले दिखाते हैं आपको गाड़ी, वन ऑफ द मोस्ट वॉन्टेड पिकअप ट्रक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, विच इज देखो आप। यस सो सबसे पहले दिखाते हैं आपको गाड़ी। सो गाइज ये है वो गाड़ी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सो हिमांशु भैया जल्दी से आओ और आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो अपने स्पेशल फ्रेंड से। वेल मेरे स्पेशल फ्रेंड भी हैं और मेरे फैमिली रिलेटिव भी हैं। हाँ जो कि हैं, यू नो ही इज रिलेशन में मेरे वो चाचा लगते हैं और मेरे से छोटे हैं वैसे तो। अच्छा जवान चाचा। जवान चाचा। सो जवान चाचा से मिलाओ। और हमारी जोड़ी है चाचा भतीजा ग्रुप में, जैसे हमारे कल्याण नाइट्स ग्रुप है जो कि आपको बताया था पहले। yes. तो हमारे को जानते हैं चाचा भतीजा के नाम से। सो तो चाचा जी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हेलो। सो हमारे चाचा जवान चाचा हैं। सो चाचा आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और आज हो आप हमारे मिस्टर एंकर। सो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो अपने नाम से और फिर ये बताओ कि हम जिस गाड़ी के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मेरा नाम है यमन, AKA द चाचा ऑफ खलेरा ग्रुप। यस। ठीक है, आज हम आपको दिखाने वाले टोयोटा हाइलक्स 2022। प्रोबेबली अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो ये बहुत ज़्यादा लोडेड कार है। अगर हम वॉक अराउंड से स्टार्ट करें तो स्टार्ट हम करेंगे बम्पर से, इनफैक्ट इनिशिएट करेंगे हम कार के फ्रंट से। यस आओ। तो जो भाई सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप बम्पर को देखोगे तो ये स्टॉक बम्पर है, लेकिन yes. स्टॉक बम्पर के अंदर कभी भी आपको ऐसी बार लाइट नहीं मिलेगी और वो भी इतनी फिट के साथ तो कभी भी नहीं देखी मैंने। तो ये अगर हम बात करें तो ये स्नग फिट की अगर आप पूछोगे मुझसे तो ये स्टॉक बम्पर में ही हमने इसको कट किया हुआ है। okay. इसकी बार की अगर हम रेंज की बात करें या विजिबिलिटी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर तक की इसकी विजिबिलिटी है। कॉस्टिंग बतानी है जो भाई? यस। कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसकी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 1 लाख प्लस है। माय गॉड। सो मेरी गाड़ी के टायरों से महंगी तो लाइट है। और गाइस इसमें आप देखना जो साइड वाली एलईडी जो दिख रही है ना, ये तो थोड़ी अलग फिनिश की है और बीच में ना एलईडी के बीच में भी ना एक प्रोजेक्टर वाली लाइट है इसमें। हां जी। वाओ ठीक है, तो पहले लाख रुपए की तो ये हो गई, उसके आगे वाली की बात करते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं दूसरी लाइट जो कि मॉडिफिकेशन में 4 चांद लगाती है जिसे आप बोलोगे। ये है किंग्स की लेजर लाइट। वाह। सो सच बताओ ना, मेरे हाथ से आपको बताता हूँ, ये मेरा हाथ है जिसको मैक्सिमम मैं लंबा कर रहा हूँ और मेरे हाथ जितनी लंबी लाइट है किंग्स वाली। हाँ तो मुझे एक बताओ इसकी रोशनी कितनी दूर जा रही है? इसकी अगर विजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो इसकी विजिबिलिटी 2 किलोमीटर के आसपास है और अगर प्राइसिंग की बात करोगे तो इस समवेयर अराउंड 1 से 1.25 लाख के आसपास की आती है। दोनों लाइट्स? नहीं, सिर्फ और सिर्फ किंग्स की लेजर लाइट। मतलब एक सिंगल पीस या दोनों पेयर? दोनों पेयर। ओके ओके माय गॉड। ठीक है साहब, उसके बाद में इसमें तो और भी बहुत सारी लाइटें लगी हुई है। हाँ जी, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये लेजर लाइट है जो कि आप फॉग लाइट में देख रहे हो। फॉग लाइट की पोजीशनिंग सेम ही है जो स्टॉक आती है। हाँ। लेकिन अगर इसमें जो बाय डिफॉल्ट कंपनी से स्टॉक लाइटें आती है वो आती है एलईडीज। हाँ। लेकिन इसको भी हमने अपग्रेड किया है और इसको अपग्रेड हमने किया है लेजर लाइट में।
तो अगर आपको मैं दिखाऊं फॉग लाइट दोनों राइट और लेफ्ट फॉग लाइट और हाँ। ये जो एड ऑन हमने बाहर से एडिशनल लगाया हुआ है इसकी विजिबिलिटी भी समवेयर अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास है और अगर प्राइसिंग की बात करूँ एक पेयर की तो समवेयर अराउंड 20,000 के आसपास है एक पेयर की। हाँ सो ये तो माय गॉड। सो और बताओ और क्या क्या है इस हाइलक्स में? अगर हम इसकी साइड प्रोफाइलिंग की बात करें तो सबसे पहले जो आप देखोगे वो है इसके 20 इंची के टायर प्लस अलॉयस। ओके तो इसमें कूपर ब्रांड के टायर लगे हुए हैं और देखो ये है ऑफ रोड व्हीकल तो हम टायरों से एक्सपेक्ट करते ही नहीं है कि साफ सुथरे हो सकते हैं। तो अभी इस गाड़ी के अंदर 285/50 R20 के टायर साइज है और ये 80 टायर्स हैं। ये कूपर जियोन 80 है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो समवेयर अराउंड 25K प्लस 25,000 रुपए का एक टायर है। यस हाँ जी। और अगर हम इन अलॉयस की बात करें तो ये थाईलैंड इंपोर्ट है और इसकी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 2.5 लाख प्लस है। तो अमेरिकन रेसिंग करके ब्रांड लिखी हुई है इसके ऊपर और वाओ ये अलॉय सही में इस गाड़ी के साथ ना बहुत ज्यादा मैचिंग कर रहा है। उसके बाद में और अगर मॉडिफिकेशंस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 4 इंच की लिफ्ट किट डाली गई है। ओके प्लस शॉक एब्जॉर्बर है। उनकी समवेयर अराउंड अगर कॉस्टिंग की बात करें इंक्लूडिंग द लिफ्ट किट तो समवेयर अराउंड 4 लाख प्लस इनकी कॉस्टिंग आती है। ओके वाओ। फिर उसके बाद में बात करें हम इसकी बूट की तो बूट में जो आप स्टॉक रियर बम्पर देखोगे वो स्टॉक ही है। ओके इसमें कुछ हमने अपग्रेड कुछ खास नहीं किया बट स्टिल इसमें जो आप ये लाइट्स देख रहे हो जब भी हम ऑफ रोडिंग के लिए होते हैं किसी कार की रिकवरी करनी है हाँ। या कभी रात को ऑफ रोडिंग के लिए गए हैं तो ये लाइट्स हमें पीछे का व्यू देखने के लिए एक बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी दिखाती है। यस। प्लस अगर हम बात करें इसकी बूट की जिसको हम डाला इनफैक्ट बोलते हैं हाँ। तो उस पर हमने ट्राई फोल्ड लगाया हुआ है। ट्राई फोल्ड का अगर आप देखोगे कि क्या काम है या क्या रोल रहता है तो एक तो आप कह सकते हो कि जितना भी हम सामान रखेंगे वो एनी हाउ वाटरप्रूफ रहेगा कुछ गीला नहीं होगा सेफ भी रहेगा क्योंकि ये लॉक रहते हैं। ट्राई फोल्ड की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूंगा तो समवेयर अराउंड 70,000 प्लस का ये ट्राई फोल्ड आता है। ओके हाँ जी। और अच्छा है देखो मेरे पास भी जो पिकअप ट्रक है आई ऑलवेज विश कि मेरी गाड़ी पे ट्राई फोल्ड लगे पर क्योंकि उसके ऊपर वो अलग से पूरा का पूरा आर्च बना हुआ आता है गेटवे में तो इसलिए ये ना मेरे लिए ड्रीम जैसा है या तो कटवाओ या फिर उसको सही करो। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद में मुझे एक बात बताओ इसमें दो दो एंटीना किस चीज के लग रखे हैं? अगर इस एंटीना की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये तो सिर्फ लुक एंड फील का खेल है लेकिन हाँ अगर जब हम दूसरे एंटीना पे जाते हैं तो इस कार में सीबी रेडियो लगा हुआ है। सीबी रेडियो का अगर हम काम बोले तो जब भी हम कॉन्वे में चल रहे होते हैं कभी 10 गाड़ियाँ होती हैं कभी 20 गाड़ियाँ होती है तो आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए बात करने के लिए हम वॉकीज के थ्रू बात करते हैं जिसके थ्रू अगर इस एंटीना का रोल हम बताएं तो ये रेंज बढ़ाते हो सीबी रेडियो की तो समवेयर अराउंड 20 किलोमीटर प्लस की इसकी रेंज होती है जिसके थ्रू ये एंटीना हमें हेल्प करते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड रहने के लिए। अल्फा रोजर दैट 20 किलोमीटर तक भर के बोल सकते हैं। यस हिमांशु वेयर आर यू। और सेम टाइम पे देखो जो ट्राई फोल्ड है ना गाइस ये ऐसा कुछ दिखता है ऊपर से तो आराम से देख सकते हो। अगर आप वेट भी रखना चाहो जो भाई तो मैं बताऊं तो समवेयर अराउंड 100 किलो 200 किलो तक भी ये वेट इजीली झेल लेता है और ये दिखने में भी सच बताओ ना बहुत खूबसूरत दिखता है। लुक एंड फील भी बहुत अच्छी बहुत अच्छा है। अच्छी है लुक एंड फील। अगर ओवरऑल गाड़ी की बूट की हम बात करें या डाला जिसे हम बोलते बात करें तो कहीं ना कहीं 4 चांद लगाता ही है और प्रैक्टिकल यूज तो है ही। देखो इस प्रैक्टिकल यूज है कभी भी हम ओवर लैंडिंग कर रहे हैं हमें कुछ बार बार सामान कार में से ना निकालना हो हमने बाहर रख दिया हो पानी है या कुछ भी सामान है जो भी हमें ओवरलैंडिंग मैं बताऊं आपको चाचा की चाचा बोल सकते हैं आपको आपका हमारे जगह चाचा हो। सो मैंने जो फील करा ना इसुजू में जो कवर आता था जो पूरी तरह उड़ता था वो अच्छा था मगर वो आपकी ना ओवरऑल जो प्रैक्टिकलिटी थी ना कि आप बाइक वगैरह कुछ भी रख लो कैसे भी रख लो उसमें वो थोड़ा सा आपको ना हल्का सा प्रॉब्लम करता था जिसे मैं कहूँ हल्का सा। उसके अलावा ये जो इसके ऊपर व्हील आर्चेस लगी हुई है ये व्हील आर्चेस है ये कंपनी से नहीं आते हैं तो ये एक एड ऑन एसेसरीज का पार्ट है जो कि बाहर आफ्टर मार्केट भी अवेलेबल है ये आफ्टर मार्केट है दो कंपनी भी देती है बट स्टिल ये कंपनी वाला नहीं है। दिस इज नॉट द स्टॉक। और एक चीज मुझे और अच्छी लगी और वो चीज के लिए मैं भी आपके लिए ना साथ दे रहा हूँ वो पता है क्या है हमको क्रोम थोड़ा कम पसंद आता है। हाँ, तो ये जितना भी आप कार पे देख रहे हो इसके हैंडल्स को देख रहे हो साइड मिरर्स को देख रहे हो सभी का सभी हमने डीक्रोम किया हुआ है। हाँ तो क्योंकि देखो इवन आई डोंट लाइक लॉट ऑफ क्रोम है ना तो चाचा ये चलो अपने अंदर कोई ना कोई चीज कॉमन हो गई। और क्या डिफरेंस लगा आपको जो कि आपने मतलब बाद में क्रिएट कर अपनी गाड़ी के अंदर? अब हम बात करते हैं जो भाई कार के इंटीरियर्स की।
तो इंटीरियर के साथ में मुझे एक चीज और बताओ कि इस गाड़ी के अंदर अगर मैं सिर्फ लाइटों की बात करूं तो लाइटों का समवेयर अराउंड क्या कॉस्ट है? लाइट्स का अगर मैं बात करूं, लेजर लाइट्स जो ऊपर किंग्स की लगी हुई है, बार लाइट इंक्लूडिंग दीज फॉग लाइट्स, तो समवेयर अराउंड इसकी कॉस्टिंग 3 लाख के आसपास जरूर होगी समथिंग। और एक चीज तो मेरे को ना आपने मेरी मेहनत डबल करवा दी। सो गाइज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी ऐसा नहीं है इस पूरी की पूरी हाइलेक्स रेडी हो गई, इज लाइक अभी तो बहुत सारा सामान रस्ते में और चल रहा है जो लगना बाकी है। और एक बात बताओ, इसमें ना एक क्यूट सी नीचे विंच दिख रही है। हाँ जी। तो मुझे एक बताओ ये विंच कितनी पावरफुल है? ये विंच अप्रोक्सीमेटली अगर हम LBS में इसका वेट कैलकुलेट करेंगे तो समवेयर अराउंड 12,000 प्लस का ये वेट आराम से पुल कर लेगी। और मुझे एक चीज और अच्छी लगी जो कि आपने बहुत अच्छा काम करा कि इसके अंदर ना आपने सिंथेटिक रोप ली। हाँ जी। तो मेरे को ना मेरा पर्सनल खुद का व्यू रहता है कि मैं सिंथेटिक रोप प्रिफर कर रहा हूँ उस नॉर्मल वाली तार से। और गाइज सेम टाइम जैसी वो LC तैयार हुई थी वैसे ये गाड़ी भी पटेल कार्स के यहाँ तैयार हुई है। डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक डाल देंगे ताकि आप आकर करवा सकें। अगर मैं पटेल कार्स की बात करूँ तो पटेल कार्स मार्केट में बहुत पुराने सर्विस प्रोवाइडर है, समवेयर अराउंड 46 ईयर से ज़्यादा मार्केट में ये काम कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशंस कराने हैं, आपको किसी भी कार की आपको सर्विस करानी है तो पटेल कार्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। यस, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उन्हें कॉल करो और परेशान करो। सो आप दिखाओ अंदर से कि अंदर से ऐसा क्या इंटीरियर में, पहले बताओ आगे या पीछे? पहले आगे से स्टार्ट करते हैं जो भाई। यस, तो अगर मैं आपको कार के इंटीरियर्स दिखाना चाहूं तो जितना भी ये आप रेड एलिमेंट देख रहे हो ये सभी का सभी रेड एलिमेंट जो बाय डिफॉल्ट कंपनी से आता था वो ब्लैक या लाइट सिल्वर टोन में आता था, इस सभी के सभी को हमने कार की प्रोफाइल से मैच करने के लिए रेड में अपडेट कराया है। तो ये सभी के सभी पेंटेड है, ये सभी के सभी पार्ट्स पेंटेड है जो भी आप रेड में देख रहे हो। अरे पता आपको इससे और ज्यादा स्पोर्टी फील देने वाली सी चीज आ गई। ओवरऑल अगर लुक एंड फील की बात करें हम इंटीरियर से तो यस एनी हाउ It is looking anyhow good. और आपको पता एक चीज मुझे अच्छी क्या लगी है, आज आप भी रेड कुछ ज्यादा ही हो है ना, साथ में मतलब कार से मैचिंग तो होना ही चाहिए ना। यस भाई। और चाबी भी मेरे को स्पेशल लग रही है इसके अंदर। हाँ, चाबी पे हमने कवर इस पे एड ऑन किया है जिससे कि टूट फूट बच सके और वो भी रेड कलर में, तो ये तो मतलब पूरी तरह रेड वाली फील चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अब मैं अगर इंटीरियर में अपग्रेड की बात करूँ स्पेसिफिकली टू द ऑडियो अपग्रेड, तो एक कार विजन का हमने इसमें एंड्रॉइड प्लेयर लगाया हुआ है। और ये कितना इंच है? अप्रोक्सीमेटली इट इज 11 इंचेस। ओके। अगर इसकी स्पेसिफिकली प्लेयर की बात करूँ तो इस कार में 360 कैमरास नहीं आते थे जो कि हमने इसमें बाद में खुद इंस्टॉल किए हैं। वाओ, पिकअप ट्रक में 360 कैमरा। भाई जरूरी है ना, कभी भी अगर रिकवरी करनी है या बंदा खुद अगर कहीं फंस गया तो एनी हाउ उसको बाहर उतरना ना पड़े, बाहर कीचड़ हो, स्लश हो, कुछ भी हो, तो कार में बैठे बैठे पता चलना चाहिए ना बगल वाले पे कीचड़ कितना गिर रहा है साइड वाले पे कैमरा में देख के। हाँ ये भी है, ये भी बात है जी। तो अगर हम एंड्रॉयड इस प्लेयर की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 8 GB रैम है और स्टोरेज की बात करें तो समवेयर अराउंड 128 GB इसकी स्टोरेज है। वाओ। हाँ, इसमें बाय डिफॉल्ट जो 360 हमने एनेबल किया हुआ है, कैमराज इंस्टॉल किए हुए हैं बाय डिफॉल्ट। आप जब भी इंडिकेटर को राइट करोगे तो राइट कैमरा दिखाएगा, व्यू दिखाएगा, लेफ्ट इंडिकेटर को करोगे यूज तो लेफ्ट व्यू दिखाएगा कार का। ओके। और इसमें प्लस हमने DB के ऑडियो अपग्रेड अपग्रेड किया हुआ है, स्पीकर्स को अपग्रेड किया हुआ है। ओके। अगर मैं बात करूँ ऑडियो अपग्रेड की, स्पेसिफिकली ऑडियो अपग्रेड की बात करूँ मैं भी, तो उसकी कॉस्टिंग समर अराउंड 2 लाख के प्लस की इसकी अभी तक हो चुकी है। और अभी तो और होगी मुझे जो लग रहा है ना, आशंकाएं। हाँ बिल्कुल होनी भी चाहिए। हाँ। थोड़ी बहुत अभी भी रिक्वायरमेंट आ रही है, फीडबैक आ रहे हैं अभी भी। आप ये देखोगे इसका जो आप बोलते हैं इसको गियर नॉब जो है ये भी बहुत अलग सा है। हाँ, ये अपडेटेड है, ये मोमो कंपनी का है, आपको आफ्टर मार्केट इजीली अवेलेबल मिल जाता है, बट स्टिल लुक एंड फील को एनहांस करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। यस यस यस। और ये जो CB रेडियो है ये भी पता आपको इसकी जो पोजीशन है ना ये मुझे बहुत सही लगी, जैसे जो फॉरेन वाले ओवरलैंडिंग जो लोग कर रहे होते हैं ना बिल्कुल वैसा का वैसा ही सेटअप लग रहा है। जो जो भाई अगर पोजीशनिंग की बात करें तो एनी हाउ यहाँ पे अगर ये ड्राइवर साइड पे होगा तो एनी हाउ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जरूर, तो हमने इसको को पैसेंजर साइड इम्प्लीमेंट किया है, प्लेस किया है। और इसकी जैसे मैंने आपको बताया था रेंज 20 किलोमीटर के आसपास है और प्राइसिंग की अगर हम बात करें इंक्लूडिंग द एंटीना तो समवेयर अराउंड 40,000 से 50,000 रुपए पड़ जाता है हमें। वाओ, पर ये पूरे कॉन्वॉय के लिए तो ये पता आपको रामबाण है, कोई कहीं अटक ही नहीं सकता क्योंकि बार बार आप किसी को फोन कर रहे हो और इतने सारे बंदों को अगर इंटरकनेक्टेड रहना है कहीं पे भी हम लंबे कॉन्वे में चल रहे हैं तो CB रेडियो बहुत सारी मतलब
एटलीस्ट फीजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और आप समझो ना, जहाँ ये गाड़ी हम लेकर जा रहे हैं वहाँ मोबाइल नेटवर्क आना तो एक बेवकूफी, सोचना ही बेवकूफी है। बिल्कुल, यस यस। सो और उसके अलावा अगर हम कार की रियर प्रोफाइल की या रियर सीट के बारे में बात करेंगे, सो आप देखते हैं भाई साहब पीछे वाली सीट। तो जो जो भाई आपके लिए अभी इसमें कुछ खास अपग्रेड नहीं है क्योंकि ये स्टॉकी है, लेकिन हाँ जरूर जब कभी भी अगली वीडियो बनेगी तो आपको इसमें कुछ एनी हाउ। आप मुझे बताओ ये टू सीटर स्पोर्ट्स कार ही रखनी है क्या पीछे की तरफ? तो आपने बेस ट्यूब डाल रखी, जगह की बेस बेस तो चाहिए चाहिए। सो मुझे एक बात बताओ, ये तो रही मेन बात। अब हिमांशु भैया से एक बात और जानते हैं कि रस्ते में क्या चल रहा है, क्या कारवा ऐसा क्या है जो कि रस्ते में चल रहा है, अभी और आएगा इसके अंदर। वेल यार, उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा अगला वीडियो के लिए वेट करना ही पड़ेगा। और मैं इतना कह सकता हूं कि दिस हाइलेक्स इज गोइंग टू बी द ओनली वन इन इंडिया, द मोस्ट मॉडर्न हाइलेक्स इन इंडिया। यस, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम अभी आई कैन से अराउंड 3-4 मंथ्स। सो चाचा, और अगर ये गाड़ी मोस्ट मॉडर्न नहीं हुई तो जो आप बोलोगे हम वो करने को। अरे ऐसा कुछ नहीं है। सो जो जो भाई जो आप बोलो। सो मैं तो बता रहा हूँ ना, एक और वीडियो बनाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अब वीडियो को खत्म करते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और जो जो भाई का जो कमेंट बॉक्स है ना वो एकदम भर दो, फुल कर दो, भर दो। मैं आप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइज, अगर किसी को कोई भी सवाल। लिंक ही डालना, नंबर मत डालना। नहीं 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 नहीं, नंबर दोनों शादीशुदा है, नंबर वंबर का नाटक हो जाएगा समझो। तो ऐसा है, दोनों के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं। सो सीधे के सीधे बात करो, पूछो, अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसके बारे में जानो। सो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले में एक और बात। यस यस, एनीहाउ खलेरा नाइट्स का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, यस, प्लस इंस्टाग्राम पे जो चैनल है, पेज है इनफैक्ट, yes. आप उसको जाके फॉलो करिए और हमें रिव्यू कमेंट्स में बताइए। और चलो ना अगली ऑफ रोडिंग पे मैं व्लॉग बनाऊंगा, कोई नए लोग आएंगे, अच्छी बात है ना, खूब सारे नए लोग आए जो कि ऑफ रोडिंग सीखना चाहते हैं। मोस्ट इन्वाइटेड, यू आर मोस्ट इन्वाइटेड। मैं भी तो आप लोगों के क्लब में ऐसे आया, तो मैं चाहूंगा कि खूब सारे नए लोग इस तरीके से एक बार, यू नो, ऑफ रोडिंग ग्रुप आज के टाइम में दिल्ली एंसर में बहुत, आई थिंक मोर देन 50 क्लब्स ग्रुप्स आ गए, बट एक बार कभी हमारे साथ ट्राई करो। यस यस, सी द डिफरेंस, सी। ठीक है, तो व्लॉग को अभी खत्म करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, पसीनों में हो रहे हैं भर के। तो व्लॉग को खत्म करने के साथ स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और एडवेंचर में देखते हैं अगला क्या होने वाला है।